की एप्लीकेशन, एप्लीकेशंस ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर. व्हाट इज फर्स्ट एप्लीकेशन? द क्वाड्रेटिक फार्मूला. आई वुड लाइक कि जिस पेज पे आपने डिराइव किया हुआ है उस पेज के हेडर बनाए. उस पेज के हेडर पर क्या चैप्टर लिखें, कि आपने क्या चैप्टर स्टार्ट कर दिया? एप्लीकेशंस ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर. जिस पेज पे डेरिवेशन हुई हुई है, राहिम इस पेज पे नहीं, जिस पेज पे डेरिवेशन हुई हुई है, किस पेज पे हुई हुई है डेरिवेशन, तो उधर लिखना ना. इससे भी पिछले पे हुई हुई है शायद. मुझे यहां से आपकी कॉपी नजर आ रही है. आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहां ड्राइव किया? दूसरी कॉपी में किए हैं. ठीक है, किए ही नहीं है भाई ने. चले हाँ, चलो इसके अगले पेज के हेडर पे लिख दो, यहाँ पे कॉपी कर लेना उसको. ठीक है, दो पेजेस छोड़ दो आज के लेक्चर के लिए या पुराने वाले लेक्चर को कॉपी करने के लिए. लेकिन जितने भी लिखना है पेज के हेडर पे, क्या लिखना था, लिखवाना क्या मैंने, एप्लीकेशंस ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर. तो जो एप्लीकेशंस ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर है, प्लीज बातें बंद करो यार. बेटा जी, अब मैंने आपको डांटा ना, क्योंकि थोड़ी क्लास क्लास आपके लिए, तो आपके पास बदला लेने के लिए साल बाद मौका मिलेगा. ठीक है, हम कोई भी यहीं से लगे हुए नहीं बोल रहे. चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं तो देख लेता हूँ कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा. एप्लीकेशंस ऑफ क्या, कंप्लीटिंग द स्क्वायर असल टॉपिक है. और उसकी पहली एप्लीकेशन आपने क्या लिखी है, द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. क्या आप उसको यूज करके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकाला है आपने? ठीक है, किसी को मसला उस बात से? आपने बहुत सारे स्क्वायर कंप्लीट किए हुए हैं, वहां पे भी आपने पहले ए को कॉमन ले लिया, फिर जो एक्स का कोफिशियंट था बी ओवर ए, उसको क्या किया, उसको डिवाइड बाय टू किया होगा. क्या बना होगा, बी ओवर टू है. उसका स्क्वायर एड भी किया, उसका स्क्वायर या तो एक तरफ या शायद इसने इधर भी एड किया हुआ, और मर्जी आपकी, जैसे मर्जी कर ले. फिर क्या किया, इधर किया उधर किया, करते करते आप अपने फार्मूले तक पहुंची गए. फिर उस फार्मूले के अंदर आपने कहा है कि जो अंडर रूट के अंदर कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ अंडर रूट के अंदर, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, उसको आपने कोई स्पेशलिटी दी है. उसको आपने कहा इट इज नोन एज द डिस्क्रिमिनेंट. क्या जनाब साहब, डिस्क्रिमिनेट करता है ये, किस चीज में डिस्क्रिमिनेट करता है, ये नंबर एंड द, नॉट जस्ट द नंबर बट द टाइप ऑफ रूट्स में डिस्क्रिमिनेट करता है. हमने कहा जी कैसे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में से क्या निकाला गया था जी, पहले तो स्क्वायर आपको इस क्वाड्रेटिक्स की जो जनरल फॉर्म है वो क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. इसका स्क्वायर जब आपने कंप्लीट किया था तो क्या बना था, आई थिंक आपने कुछ इसका स्क्वायर ऐसे कंप्लीट किया होगा, एक्स प्लस बी ओवर टू ए, इसका होल स्क्वायर. फिर क्या जनाब, इसके साथ फिर बहुत सारी टर्म्स हैं, लेकिन वो बाकी सारी टर्म्स किधर लिखी हुई है आपने, उस तरफ लिखी हुई है. उस तरफ क्या लिखा हुआ है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होल डिवाइड बाय फोर ए स्क्वायर, कुछ इस तरह का. ये जो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका स्क्वायर कंप्लीट कर लो तो कुछ इस तरह का बन जाता है. इसमें से अंडर रूट लेकर एक्स को सब्जेक्ट बना लो तो कुछ इस तरह का बन जाता है. इनके तीनों स्टेप्स में किसी को प्रॉब्लम है तो हाथ खड़ा करो जी, एनीवन. तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म क्या है, एक्स को सब्जेक्ट बनाकर क्या है, सब आपको बताएं. इसमें से क्या किया गया, ओ लेवल में इसका क्या करना है वो आपको बताएं, ए लेवल में इसका क्या करना है. ए लेवल में इसमें से जो ये वाली चीज है, कौन सी वाली, अंडर रूट के अंदर वाली, इसको हमने क्या बोला है, हमने इसको बहुत ज्यादा अहमियत दी है. बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज नोन एज क्या, डिस्क्रिमिनेंट. कि इसकी, इसने क्या करना है, इसने डिस्क्रिमिनेट करना है. इन व्हाट, इन द टाइप एंड द नंबर ऑफ रूट्स में. टाइप एंड द नंबर ऑफ रूट्स में कितने केसेस बनाए, तीन. कि सर जी क्या होगा, या तो ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, या जीरो होगा, या पॉजिटिव होगा. तो नेगेटिव हुआ तो क्या होगा, अंडर रूट के आंसर ही, अंडर रूट में आंसर ही नहीं आएंगे. अगर अंडर रूट ऑफ नेगेटिव का आंसर ही नहीं आएगा, मतलब अगर अंडर रूट के अंदर देखे ना, बी स्क्वायर माइनस फोर सी अंडर रूट के अंदर, अब अगर वो नेगेटिव है
मतलब उसकी वैल्यू जो है वो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू लेस देन जीरो है, या लेस देन जीरो है, नेगेटिव ए की बात होती है ना। अंडर रूट के अंदर पुट करो तो क्या होता है सर? अंडर रूट के अंदर पुट करो तो कोई मैथ एरर आता है, क्यों? कोई नो रियल रूट्स होते हैं, क्या होता है सर जी? कोई रियल रूट्स नहीं होते। अगर कोई रियल रूट नहीं होते तो फिर क्या होता होगा? हमारा तो कॉन्सेप्ट है सर दो तो होंगे ही होंगे, दो होंगे ही होंगे, कहां से निकालें फिर? जो दो होंगे वो कैसे होंगे? वो दो फिर क्या होंगे? इमेजिनरी होंगे। किसी को मसला इस बात से? जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का आंसर अगर जीरो हुआ तो सर टर्म ही खत्म हो जाएगी। जब ये टर्म ही खत्म हो गई तो पीछे बचेगा क्या? माइनस बी होगा, टू है तो कितने रूट्स होंगे? एक ही होगा सर, वन रूट। हम तो कहते हैं दो होने चाहिए, तो जो वन होगा ना वो असल में दो दफा होगा, और जो एक उसको क्या बोलेंगे? टू रिपीटेड रूट्स। क्या बोलेंगे? टू रिपीटेड, टू रियल रिपीटेड रूट्स। जो भी कर ले आंसर्स टोटल दो हैं, आंसर्स टोटल, अब वो दोनों रियल हैं, रियल एंड रिपीटेड हैं, या रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं, या दोनों इमेजिनरी हैं, ये तो डिपेंड। अच्छा, अगर उसकी वैल्यू पॉजिटिव ही तो क्या होगा? हाँ सर, उसके तो कुछ ना कुछ दो आंसर्स ही आएंगे, ठीक है। तो यहां हमने क्या लिखा है? टू रियल रूट्स होंगे। कौन से दो रियल सर? वो दो रियल डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट मतलब ये हमने कोई कहानी आपने लिखी हुई है, और आपने इसके लिए एक एक एग्जाम्पल भी की हुई है। एक पता नहीं आपने इसके लिए कौन सी एग्जाम्पल की हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, यहां एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। बेटा आपने कुछ गलत भी लिखा हुआ है, सीक्वेंस भी आगे पीछे किया हुआ है। प्लस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, यहां क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। ये आपका लास्ट लेक्चर था, जिसको आपने क्या किया हुआ है, जिसको आपने इसका आपने डिस्क्रिमिनेंट चेक किया होगा। क्या था इसका डिस्क्रिमिनेंट? है जी लेस देन जीरो। तो आपने क्या लिखा होगा सर? इसके आंसर ही नहीं है। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या था? जीरो। तो आपने कहा होगा एक ही आंसर होगा, कौन सा? रिपीटेड। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो आपने क्या कहा होगा सर? दो रियल एंड। अच्छा, यहां तक अगर किसी के पास कोई मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए एनीवन। इसके बाद आपको एक वर्कशीट दी गई है। क्या दिया गया? प्लीज जरा वर्कशीट निकाल लीजिए। इससे पहले कि वर्कशीट पे जाएं, एक और सवाल मैं लिखवाना चाहता हूं। नोट्स में जाएं, नोट्स के जो आपके तीन कॉलम्स है, पहले उन तीन कॉलम्स को मजीद कैरी करें। उन तीन कॉलम्स में एक और एग्जांपल लिखें, तीन कॉलम्स में एक और एग्जांपल लिखें। हाँ जी, नहीं ग्राफ नहीं लिखवा रहा, उसी तरह इसी तरह जैसे तीन एग्जांपल है ना। सुने जरा, सवाल लिखें, चेक चेक द टाइप, चेक द टाइप एंड द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। चेक द टाइप एंड द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। चेक द टाइप एंड द नंबर। नोट्स को एक और एग्जांपल लेकर पूरा करें। चेक द टाइप एंड द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। पिछले वाले कॉलम बराबर करें, क्योंकि पिछले कॉलम्स का सीक्वेंस भाई साहब राजा साहब आपका कुछ और है, मेरा सीक्वेंस ये है कि मैं पहले क्या लिखवाता हूँ? नेगेटिव, फिर जीरो, फिर पॉजिटिव, ठीक है। तो मैं उस सीक्वेंस में नोट्स लिखवाऊंगा। कोई बात नहीं, पिछले वाले कॉलम को बराबर करें और लिखें जी चेक क्या, चेक क्या लगे? चेक द टाइप एंड द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। और जो फॉलोइंग इक्वेशंस हैं वो कौन सी वाली है? पहले लिखें एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, फिर लिखें एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, फिर लिखें एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। और एक बात याद रखें, मैं इसका पूरा आंसर नहीं निकालने को कह रहा, मैं सिर्फ क्या कह रहा हूँ? चेक करने को कह रहा हूँ कि क्या सीन है इसका, कौन सी टाइप ऑफ रूट्स हैं,
या कितनी रूट्स हैं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं। तो टाइप और नंबर ऑफ रूट्स निकालने के लिए पूरा सॉल्व करना है क्या करना है, जस्ट डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है। तो सबका डिस्क्रिमिनेंट चेक करें, इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करें जी, कितना आता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, चेक करें माइनस फोर स्क्वायर, फोर इंटू ए इंटू सी, सिक्सटीन माइनस ट्वेंटी, क्या आंसर आया डिस्क्रिमिनेंट का? सिंस द डिस्क्रिमिनेंट इज, जब आप लिखें सिंस द डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव, सिंस द डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव, सो दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट। क्या जुमला लिखवाना चाहता हूं मैं, सिंस द डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव सो क्या लिखें जी, सो व्हाट, सो दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट। दिस लास्ट मिनट है सर, एक दो मिनट है बस। सो दिस इक्वेशन हैज, नहीं जो लिखवा रहा हूं वो लिखें, नो रियल रूट, जीरो रूट नहीं लिखना, नो रियल लिखना है, चूंकि दो इमेजिनरी हैं, दो इमेज तो जीरो रूट तो नहीं लिख सकता, हाँ जीरो रियल रूट्स। पर नो रियल रूट्स में क्या प्रॉब्लम है आपको, वो अंग्रेजी है, वही मतलब है जो आप सोच रहे हैं, तो अंग्रेजी लिखे जी नो रियल रूट्स। सो दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, ब्रैकेट में लिखवाना चाहते हो तो क्या लिखो, टू इमेजिनरी रूट्स, लेकिन अब मैं भी इमेजिनरी रूट्स चूंकि पढ़ा नहीं रहा तो लिखवाऊंगा भी नहीं उसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करो जी, सिक्सटीन माइनस सिक्सटीन इट इज, हाँ जी आप बताओ उधर क्या लिखूं, इधर लिखे सिंस व्हाट, सिंस द सिंस इट्स डिस्क्रिमिनेंट इज जीरो, सिंस इट्स डिस्क्रिमिनेंट इज जीरो, सो सो व्हाट, सो दिस इक्वेशन हैज वन रिपीटेड रूट, सो दिस इक्वेशन हैज ओनली वन रियल रूट, आई डॉट ई रिपीटेड रूट्स, पहले ऐसे लिखें, सो दिस इक्वेशन हैज ओनली वन रियल रूट, पहले लिखिए वन रियल रूट, सो दिस इक्वेशन हैज ओनली वन रियल रूट, फिर लिखें आई डॉट ई क्या, टू रिपीटेड रूट्स, ज्यादातर हम लिखते हैं वन रियल रूट, अक्सर लोग इसको क्या बोलते हैं, टू रिपीटेड रूट्स जी, नहीं एक इमेजिनरी और एक रियल तो मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया, आप खुद से कैसे सोच सकती हैं कि एक रियल और एक इमेजिनरी, ऐसी कोई मैथ्स नहीं है, या तो ये वाली मैथ्स है कि दोनों इमेजिनरी हैं, या फिर क्या मैथ्स है, दोनों रियल हैं। अब दोनों रियल में एक मसला है, या वो दोनों रियल रिपीटेड है, मतलब एक ही चीज दो दफा है, या वो दोनों रियल डिस्टिंक्ट है, एक रियल एक इमेजिनरी का कोई केस नहीं है, ठीक है। सो मैंने क्या लिखा है, सो दिस इक्वेशन हैज ओनली वन रियल रूट, जिसको हम क्या बोलेंगे, टू रिपीटेड रूट्स, इसका मतलब ये नहीं है कि एक रियल और एक इमेजिनरी, नो वे, इसका मतलब है वो जो आंसर आया ना एक, वो एक दफा नहीं आया, वो एक आंसर दो दफा आया है। अब आप कहेंगे सर ऐसा कैसे मुमकिन है वो एक आंसर दो दफा आए, आप इसको सॉल्व करें, इसको फैक्टराइज करें, इसमें आएगा एक्स माइनस टू ब्रैकेट एक्स माइनस टू, तो क्या होगा, पहली ब्रैकेट जीरो, दूसरी ब्रैकेट, पहली ब्रैकेट से क्या आंसर आएगा, दूसरी ब्रैकेट से क्या आंसर आएगा, प्लस टू ही आएगा, तो हम क्या कहेंगे, है तो दो है ना, लेकिन दोनों क्या है, दोनों सेम है, ठीक। उधर चलें, इधर चलें जी इसकी तरफ, इसका क्या करूं, इसका भी निकालें बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी माइनस फोर स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी, सिक्सटीन माइनस ट्वेल्व इट इज प्लस फोर, यहां क्या लिखेंगे, यहां क्या चल रहा है सर जी, यहां पे जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या है, सिंस द डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव, सिंस द डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव, सो दिस इक्वेशन हैज टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, टू रियल डिस्टिंक्ट रूट्स, टू रियल डिस्टिंक्ट रूट्स, मतलब टू रियल डिफरेंट रूट्स, डिस्टिंक्ट को क्या कर लें, डिफरेंट कह दें, टू रियल डिस्टिंक्ट रूट्स या टू रियल डिफरेंट रूट्स। तो बुनियादी तौर पर
ये जो आपका बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है, मैं दोबारा इसलिए पढ़ा रहा हूँ, इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, ठीक है, मेरे एएस के सिलेबस में आगे बहुत ज़्यादा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से इन्वॉल्व होगा, ठीक है। और इसको मैंने क्या बोलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको बहुत ज़्यादा फोकस करना है आपने, कैसे इसका नाम क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का डिस्क्रिमिनेंट, ये क्या करता है, ये डिस्क्रिमिनेट करता है, क्या ये डिसाइड करता है, ये डिटरमिन करता है, ये डिस्क्रिमिनेट करता है बिटवीन द टाइप एंड द नंबर ऑफ, तो एक काम करें एंड पे जाकर एक प्लीज दोबारा से रूल लिख दीजिए, ठीक है जी, द बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, एंड पे दोबारा लिखें जी, एंड पे दोबारा लिखें, द बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज नोन एज द डिस्क्रिमिनेंट, द बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज नोन एज द डिस्क्रिमिनेंट बिकॉज इट वॉट, इट डिसाइड्स, डिटर्मिन्स, डिस्क्रिमिनेट्स, अब इसको डिसाइड बोले डिटर्मिन बोले या डिस्क्रिमिनेट्स क्या, बिटवीन द टाइप एंड द नंबर ऑफ रूट्स, बिटवीन द टाइप एंड द नंबर ऑफ, बिटवीन द टाइप एंड द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिटवीन द टाइप एंड द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या यहां तक किसी को परेशानी है, एनीवन? सो यू नो मैंने आपका लास्ट लेक्चर जो सरली ने लिया वो रिव्यू भी कर दिया और उसके बाद एक एक्स्ट्रा एग्जांपल भी करवा दी है, ठीक है, दोबारा रीइंफोर्स कर दिया है, मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, और जो आपकी वर्कशीट है उस वर्कशीट के ज्यादा सवाल हैं उसमें से मुझे नहीं लगता कि सिवाय आखिरी एक दो जो पार्ट्स हैं उनमें अगर कहीं मसला हो तो हो,